तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हेमंत जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे छायापुरी रेलवे स्टेशन की, जो कि वडोदरा में है। यह रेलवे स्टेशन वडोदरा जंक्शन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका उद्घाटन 14 दिसंबर 2019 को श्री सुरेश अंगाड़ी जी के हस्तक हुआ था, जो कि बीजेपी सांसद रह चुके हैं कर्नाटक के। यह रेलवे स्टेशन मुख्यतः नई दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर स्थित है। इसके 2 प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक हैं। यहाँ से वडोदरा जंक्शन जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही बस सर्विस उपलब्ध है। इस तरफ है बस सर्विस। इस स्टेशन के निर्माणों के मुख्य कारण है वडोदरा जंक्शन पर होने वाले ट्रेन्स के ट्रैफिक एवं जंक्शन के आसपास होने वाले वाहनों के ट्रैफिक को कंट्रोल करना। और जब से इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, तब से खास करके लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में काफ़ी सुधार हुआ है और जंक्शन के आसपास होने वाले वाहनों के ट्रैफिक में भी काफ़ी सुधार हुआ है। इस स्टेशन की खास बात यह है कि वडोदरा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है एवं यह वडोदरा एयरपोर्ट से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेशन पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन है और यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म 4 ट्रैक है। कुल मिला के फिलहाल यहाँ पे 43 ट्रेनें रुकती हैं। इन ट्रेनों में शामिल है अहमदाबाद से वाराणसी और अहमदाबाद से दरभंगा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस, जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, वडोदरा कोटा एक्सप्रेस, आगरा अहमदाबाद, कानपुर अहमदाबाद, पटना अहमदाबाद, ओखा गोरखपुर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से हापा सर्वोदय जाने वाली एक्सप्रेस, जामनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली एक्सप्रेस, गुजरात संपर्क क्रांति स्पेशल, सारे जहां से अच्छा एक्सप्रेस, अजीमाबाद एक्सप्रेस, ओखा गुवाहाटी, अहमदाबाद दानापुर, राजकोट समस्तीपुर, अहमदाबाद मुजफ्फरपुर, वाराणसी गांधीनगर, बरौनी अहमदाबाद, जनसदरन एक्सप्रेस, नाथद्वारा ओखा एक्सप्रेस और वडोदरा दाहोद मेमू। छोटा स्टेशन होते हुए भी इस स्टेशन पर दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट सर्विस है, ताकि विकलांगों और बुजुर्गों को आने जाने में सुविधा रहे। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेटिंग एरिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। खाने पीने के स्टॉल्स काफ़ी कम हैं, फिर भी मिला जुला कर अगर देखा जाए तो अन्य सैटेलाइट स्टेशन, जो कि छोटे छोटे ऐसे और भी स्टेशन हैं, उनके मुकाबले में ये रेलवे स्टेशन सुविधा के मामले में काफ़ी अच्छा है। और अगर रेटिंग की बात आए तो 5 में से 4.8 स्टार तो बनता है इस रेलवे स्टेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।